हमारे बीच विश्वनाथ जी हैं जो सुबह और शाम दोपहर में रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने के बाद मेहनत मजदूरी करने के बाद कलेक्ट्रेट यानी चंद्रशेखर उद्यान के बगल में ये उस उद्यान में आप देख सकते हैं गम्हारी बाबा का ये विशाल प्राचीन मंदिर जहां आप सेवक हैं सेवा करते हैं। बाबा का चमत्कार बताइए। चमत्कार बहुत है, कलटनी के बाबू लोग आके गोड़ लगते हैं और गोड़ लग के जाके अपने कुर्सी पर बैठते हैं और यहाँ पर हर कीर्तन कीर्तन होता है। बाबू लोग डेली आते हैं। हाँ बराबर आते हैं। आ यहाँ पर हर कीर्तन जब भी होता है हमारा हुरा से सुभाषन बोस के माला वाला पहनाए उनके शुभकामना अच्छा रहे। तो कितने साल से हैं यहाँ पे? यहाँ पर 5 बरिस 6 बरिस से बनी। क्या क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर धोते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, अपना माला वाला पहनाते हैं, अपना घर चले जाते हैं। रिक्शा कब कब चलाते हैं? हम 12-1 बजे ले चलाते हैं रिक्शा। चलाते हैं? हाँ 1:30 बजे तक ले चलाते हैं। रात को भी चलाते हैं? रात में, दिन में नहीं। रात में चलाते हैं, 6 बजे से 2 बजे रात तक ले चलाते हैं। अरे फिर आके उसके पहले मंदिर में सेवा देते हैं? हाँ सेवा देते हैं प्रभु। जीवन की कमाई हमारा यही है। बाबा का पूरा नाम क्या है? गम्हारी बाबा। गम्हारी बाबा? हाँ गम्हारी बाबा। पहले से तो अच्छा विकास हो गया है। बहुत विकास हो जाएगा, हर कीर्तन अगला महीना में होने वाला है। यहाँ पर लोग आते हैं, खूब बाबा के गोड़ लगाकर जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तरक्की करते हैं, तरक्की करते हैं प्रभु। चलिए विश्वनाथ जी को सुना कि बाबा कलेक्ट्रेट के बाबू आते हैं, हम मत्था टेकते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं और तरक्की के रास्ते पे जाते हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।